थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सर्राफा बाजार से 28 किलो चांदी की नकबजनी की घटना को अंजाम देकर बेखौफ बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन भी किया था, लेकिन 72 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। ताजनगरी में लूट छिनैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार अभियान चला रहे हैं, परंतु पुलिस के अभियान खोखले साबित हो रहे हैं। बेखौफ बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस है कि हाथ मलते रह जाती है। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों थाना कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला। बेखौफ बदमाश सर्राफा बाजार से चांदी कारीगर के साथ 28 किलो चांदी की नकबजनी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गए थे, परंतु 72 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के हाथ बदमाशों का कोई भी अहम सुराग अभी तक नहीं लगा है। जी, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक टप्पेबाजी हुई थी जिसमें लगभग 27 किलो चांदी का चांदी चोरी हो गई थी। उसमें पुलिस टीम लगी हुई है और सभी तरह से पुलिस की टीम तैयार कर दी गई है और वो सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस के माध्यम से केस को क्रैक करने का प्रयास कर रही है। अभी विवेचना जारी है और जैसे ही आगे कोई अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। विकास कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। कैमरों के आधार पर 4 लोगों को घटना में संलिप्त पाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर चांदी रिकवरी की जाएगी और घटना का अनावरण जल्द ही किया जाएगा।